भैया की बीवी इधर ही आ रही है। आखिर आज आपसे मुलाकात हो ही गई, बहुत सुना है आपके बारे में। जितना आपने सुना है मैं उससे कुछ ज्यादा ही। वैसे तो मुझे पर्दे से ज्यादा पर्सनली अच्छी लगी। मैंने जितना सुना है आप भी उससे कम नहीं हो। बिल्कुल पापी गया है, हरकतें भी बाप जैसी है। तुम्हें क्या पता किसी सुपरस्टार की पत्नी होना क्या होता है। फिर भी हम दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। है, बहुत फर्क है। नहीं राधिका जी, बस दिल भर का फर्क है। बस मेरे दिल के पास दिल है और आप जिस पे बैठती हैं वहां दिल है। तुम्हें कैसे पता चला? आपके चेहरे से पता चलता है कि दिल वही उसी जगह होगा। इंसान जब अकेला होता है तो आंखें कम झपकता है, उसकी आंखें उसे ढूंढती हैं जो उसे थोड़ा भी अपना लगता है। अरे ओ राइटर साहब, सिर्फ अपने भाई से ही चिपके रहोगे या हमसे भी मिलोगे? ऐसे देख रहे हो जैसे जानते ही नहीं। क्या चाहिए बोलिए ना। मुझे जो चाहिए उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। रात को? अभी क्यों नहीं? लोग क्या कहेंगे? सूर्या क्या कहेगा? यहाँ सबके सामने। ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है। एक्चुअली सूर्या के साथ बात नहीं हुई, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। रात को मिलना यहीं पे। ये क्या कर रही हो तुम? तुम गलत डाल रही हो, ठीक से डालो ना। पकड़ क्यों रहे हो, डालने तो दो। अरे तुम गलत डाल रही हो। नीचे ही तो डाल रही हूँ, तुम्हारी पहली बार है क्या? तुम मेरे छोड़ो, तुम सही तरीके से डालो ना। अभी तो हिले भी नहीं और तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। अब जो भी करेंगी ना धीरे धीरे करना, अब धीरे से फर्स्ट गियर में डालो, धीरे से, धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से, धीरे से। तुम ऊपर देखो ना, ऊपर देखो, ऊपर देखो, धीरे से धीरे से धीरे से। हाँ ऐसे ही चलाते आगे देखिए ना, आगे देखिए। इस पेडल को धीरे धीरे दबाना, ये एक्सेलेटर है, ओके? थैंक्स। जब गाड़ी खरीदी है तो ड्राइवर भी रख लेती। घोड़े की रेस जीतकर गाड़ी खरीदी है, समझ में ही नहीं आ रहा कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखूं या जॉकी। आप जानती हैं वो घोड़ा मेरा था। सच? फिर तो तुम मेरे लिए लकी हो। लकी तो तुम। मैं देख रहा था रेस के पहले तुमने घोड़े के कान में कुछ बोला था। क्या बोला था? मुंह लटका के खड़ा था। मैंने कहा आज तक किसी ने मेरे पैरों की तरफ नहीं देखा, ऊपर देख और छोड़ दे सबको पीछे। छोड़ दिया। तुम्हारी बातों में इतना हॉर्स पावर है ना कि आदमी के दिमाग खराब हो जाते हैं और घोड़ों का चलना शुरू। तुम बताओ तुम्हारी लगाम किसके हाथों में है? मतलब खुल के समझाऊंगी तो शर्मा जाओगे। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या कोई? नहीं। क्यों? गर्लफ्रेंड पहले पहले मलाई जैसी लगती है, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जैसा फील देती है, एंड फाइनली सीधे हार्ट अटैक। अब मैं भी देखती हूँ कि ये बाल ब्रह्मचारी कन्याकुमारी से कब तक बचता फिरता है।
तुमसे मिलना भी ना कोई खतरे को पार करने से कम नहीं है। बैठो। कभी भी 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं छोटी सी बैटरी हूँ? मैं ट्रांसफॉर्मर हूँ, ट्रांसफॉर्मर। तुम यहाँ मेरी कोई आपत्तिजनक हालत तो नहीं करने वाली ना? क्यों, हवा निकल गई? थोड़ी सी बचा के रखो। व्हाट इज दिस? ना मेरा जन्मदिन है ना तुम्हारा, तो फिर ये केक किस लिए? अपनी पुरानी जिंदगी को फूंक मारो और नई जिंदगी को बोलो हैप्पी बर्थडे। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? Are you okay? बड़े बड़ों ने तो अपना मुंह काला करवा के नाम कमाया है, तुम्हारा तो फिर भी सफेद किया है। You're crazy. हेलो, हे गाइस, स्टॉप प्रेस नाउ। सिल्क के बारे में कोई नई न्यूज है क्या? अरे ऐसी न्यूज है कि सबको हिला के रख देगी। जल्दी बताओ नायला, अब क्या कर दिया सिल्क ने? मैंने अभी सोचा नहीं। क्या नहीं सोचा? यही कि मैं सिल्क को क्या खिताब दूं, बाजारी या बिचारी, वैम्प और जस्ट अ विक्टिम। फोटो कैसी आई है? मैं काट के रख लूंगी। और हमारे बारे में जो गंदा छपा है वो? मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्या लिखा है, मैं परवाह भी नहीं करती, ना कभी की। सिर्फ फोटो काट लेती हूँ, वो भी अगर अच्छी हुई तो। अखबार की उम्र भले ही एक दिन की हो सिल्क, उसकी खबरें अरसे तक जिंदा रहती हैं। और ये लोग तो कभी भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं छापते। आज लिखा है तुम द्रौपदी हो। अपने खुद के बनाए हुए रूल्स कभी नहीं तोड़ने चाहिए। परवाह नहीं करती थी जब तक परिंदे सी उड़ती थी, जरा सी परेशान हुई और पर कट गए। नायला मैम पार्टी में बिजी है और उन्होंने कहा है कि वो किसी से नहीं मिल सकती और किसी को अंदर आना भी अलाउड नहीं है। तुमने बताया कि सिल्क आई है? हाँ मैम, मैं आपको जानता हूँ, मैंने कहा है उनसे। किस चीज की पार्टी है? मैम नायला मैम को बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है, उसकी पार्टी है, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। थैंक यू। मजा आ गया सिल्क। तुमने जो उसकी प्राइवेट पार्टी की पब्लिकली बजाई है ना, अब तो नायला जिंदगी भर अपनी बर्थडे पार्टी तक नहीं बनाएगी। सिल्क एक बार ठान लेना तो ठप्पा लगा देती है। सूर्या को देखा, उनका मुंह तो मैनहोल की तरह खुल गया था। पर तुम्हें बुरा नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हें सबके सामने किस किया? बस दिल में आया और कर दिया। दिल भले ही लेफ्ट में होता है लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। अरे वाह राइटर साहब, आप तो तुम सो जाओ अब, कल सुबह मुझे विजयन को कहानी सुनानी है और तुम्हारी भी तो शूटिंग है ना। अभी तो दो लोगों को जलाकर आए हैं और तुम बुझाने की बात कर रहे हो। अब और रुका तो यहां आग लग जाएगी। तो लगने दो।
बॉर्डर पे खड़े रह के गाना नहीं गाते। टिशके आओ, गोली पिस्टल से बाहर और विलन की आत्मा शरीर से बाहर और फिर फिल्म द एंड, ऑडियंस थिएटर से बाहर। ये कैसा द एंड है? कोई एक्शन सीक्वेंस तो हुआ ही नहीं मेरा। अरे तलवारें टकरानी चाहिए, पहले कमीज फटे, फिर बदन कटे, खून निकले, तब आएगा मजा द एंड का। तलवारें डालो क्लाइमैक्स में, तलवारें हैं। सर हीरो तो पुलिस वाला है, उसके पास तलवार कहां से आएगी? He has a point. Point है। पुश्तैनी हो सकती है, बाप दादा के जमाने की। लेकिन सर हीरो तो अनाथ है। बोरिंग बोरिंग। हीरो अनाथ होता था 60s में, 70s में, वेयर इन 80s नाउ। उसे एक फैमिली दो, एक बहन दो, उसे इज्जत दो और फिर लूट लो। बहन की लुटी हुई इज्जत तलवार की धार पर होनी चाहिए, तब आएगा मजा क्लाइमैक्स का। क्यों विजन? अरे सर ऐसा कैसे सोच लेते हैं आप? यू आर जीनियस सर, यू आर जीनियस। इट्स अ कर्स विजन, इट्स अ कर्स। क्यों रामा, क्या लगता है तुम्हें? एक वर्ड में बोलो, सुपर हिट। तहलका मचाएगा। सिल्क आदमी और घोड़े में फर्क ही नहीं समझी। घोड़ा फॉर्म में आ जाए तो रेस जीत सकता है, आदमी फॉर्म में आ जाए तो वो टाइम की तरह भागता है, फिर वो ना रुकता है ना वापस आता है। याद है जब पहली बार मिला था, बात करने से डरता था और अब बहाने बनाने आ गए हैं। पहले याद भी करती थी तुम मिलने चले आते थे, और अब मिलने से पहले दो बार सोचते हो। कट इट। हंस क्यों रहे हो? ए मजाक चल रहा क्या यहाँ? मजाक तो आप कर रही हैं मैडम, ये सीन तो हम कल कर चुके हैं ना। ए सिगरेट लाओ। सिल क्या है, क्या कि चल क्या रहा है? एक टाइम था जब तुम सीन करती थी तो कट बोलने का मन नहीं करता था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा काम में मन ही नहीं है। कैसे मन लगेगा, कुछ नया करने को है क्या? रोज रोज वही सीन, वही डायलॉग, वही कहानी। तुझे लेके एक ही किस्म की धार्मिक फिल्म बनाई जा सकती है और वो बना रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आज ये भोपू इतना क्यों बज रहा है, वो नई लड़की शकीला को जो ले लिया है, पर वेंकट सर हर कोई सिल्क नहीं बन सकती। बनाना भी नहीं है दूसरी सिल्क, रोज नया नाटक, कभी सूर्या के नाम पे पंगा, कभी उसके भाई के नाम पे तमाशा, कभी तेरी शराब। ऐसा तो बैक अप। अब अपनी फिल्म अपनी उस शकीला को लेकर पूरी कर लेना। रुक जाओ सिल्क, देख ऐसी गलती मत कर, जो लोग काम को लात मार के जाते हैं ना, सारी जिंदगी हाथ फैला के काम मांगते हैं फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता। मैं सिल्क हूँ, सिल्क स्टार हूँ, भूलना मत। स्टार जब खत्म होने लगते हैं ना तो अंधेरे में खो जाते हैं, और खालीपन का अंधेरा जब खाने लगता है ना तो सबसे पहले स्टार की चमक को खा जाता है। रामाकांत को फोन दो, उनको बोलो कि सिल्क का फोन है। सॉरी मैडम, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। भद्रम कर्मे वृषणयाम देवाः, भद्रम पश्येम। हेलो, रामाकांत को फोन दो। पर मैडम, उनको बोलो सिल्क का फोन है। उनको बोलो मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है।
वेरी सॉरी मैडम, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो रमाकांत सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है, एक भाई लिखेगा और दूसरा भाई एक्टिंग करेगा। कमाल का दिन है आज तो। सिल्क नाचेगी। नमस्ते। नमस्ते, आप लोग टाइम पे पहुंच गए। विजयन। हाँ जी सर। सिल्क इस फिल्म में काम नहीं करेगी, उसके पास जो कुछ था पब्लिक सब देख चुकी है। सर जैसा आप कहें, लेकिन सर पब्लिक को मसाला तो चाहिए होता है। हम ट्रेंड बदल देंगे, सिल्क जो करती थी वो हम हीरोइन से करवाएंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर हीरोइन की इमेज का? पब्लिक सामान देखती है, दुकान नहीं। और वैसे भी जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। सही कहा सर आपने। योरा मकान, तुम्हें क्या लगता है? सर सिल्क मैडम का फोन है। सिल्क, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। मैं विजयन और सूर्या के साथ हूं, वो तुम्हें अपनी अगली फिल्म में नहीं लेना चाहते, और मुझे भी लगता है कि उनका डिसीजन ठीक है, तुम ये फिल्म नहीं करोगी। हाँ बिल्कुल, फिल्म के मुहूर्त वाले दिन मैं तुम्हें अपने अम्मा और अप्पा से मिलवाना चाहता हूं। हेलो सिल्क मैम, मेरा नाम मुत्थू है, मैं छोटी मोटी फिल्में बनाता हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और ये मेरा कार्ड। घर पे भिजवा दीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। ग्रेट, वैसे ये सेट बड़ा खूबसूरत है। कंग्रेचुलेशंस। सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। आज कोई बदमाशी मत करना, अम्मा अप्पा आते होंगे कभी भी। अम्मा की छोड़, तेरे अप्पा की उम्र क्या होगी? सिल्क प्लीज। फिकर मत करो, तुम्हारे फैमिली के मर्दों में मैं हिट हूं। यू नो, मुझे ऐसे जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। रमाकांत जरा इधर आना। वन सेकेंड। सिल्क मैडम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शकीला है। तो तुम शकीला हो? आपने मेरे बारे में सुना है? पर कुछ गलत सुना है। क्यों, क्या हुआ? घर में आईना है, जाके तोड़ दो। झूठ कहता है कि तुम सिर्फ बन सकती हो। आप गलत हो, मुझ में भी कुछ बात है, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूं। अच्छा तो फिर चलो। इंसान का जब वक्त अच्छा होता है तब लोगों को उसके फटे कपड़े भी स्टाइलिश लगते हैं, जब टेस्ट बदलता है तब वही लोग उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। जाने दो उसे, तुम्हारे लायक नहीं है वो। सिल्क जैसी लड़कियां घर में नहीं सिर्फ बिस्तर में ही रहनी चाहिए। ये क्या किया सिल्क? मैंने तो कहा था सोचने मत, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। जो भी चल रहा अंदर। सिर्फ एक रात खुद पर काबू नहीं रख सकती थी ना? क्या हो जाता एक रात में? तुम्हारे घर वाले सोचते कि मैं अच्छी लगती हूँ, अब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे घर वाले? ये कि तुम एक गंदी और घटिया लड़की हो। हाँ तो तुमने ऐसी ही लड़की से प्यार किया है। मैं एक्टिंग पर्दे पर करती हूँ, असलियत में नहीं। मतलब तुम
पूरी जिंदगी ऐसी ही रहोगी, गंदी घटिया। जिस वजह से मैं सिर्फ बनी वो वजह कैसे छोड़ दूं? सूर्या ठीक ही कहता था, तुम जैसी लड़कियां घर पर ले जाने के लायक ही नहीं है। हाँ लेकिन बिस्तर पे ले जाने लायक है। दोनों भाइयों के लिए तैयार हो चुका है आज। सिल्क को गंदा और घटिया बोलते हो? देखो कैसे लटकाती हूँ बारी बारी। दिल तोड़ने पे अगर फांसी होती तो ये दुनिया कब की लटक चुकी होती। प्यार और मोहब्बत हमेशा साथ नहीं देते, ये तो दुश्मनी ही है जो दूर तक जाती है। इसलिए ना सिल्क हार मान सकती थी ना मैं। बहुत बड़ा रिस्क लेने की बात कर रही है तू, सोच ले। जब ऊपर वाले ने जिंदगी एक दी है तो दो बार क्या सोचना। सोच ले, जितना कमाया है सब गवा सकती है। जब कमाया था तब कहाँ सोचा था मिलेगा। कमाने के लिए बहुत सारी फिल्में चाहिए, गवाने के लिए एक ही काफी है। तेरी मेहनत का पैसा है इसलिए बोल रहा हूँ। तुझे बढ़ते हुए देखा है, गिरते हुए नहीं देख सकता। सिल्क को अपने कीड़ा दास पर पूरा भरोसा है। मुझे तेरा ये ट्रिपल रोल वाला आइडिया बहुत पसंद आया। एक माँ दो बेटियां। मैं भी वही सोच रही थी। जब लोग एक सिल्क को देखते थे तो जीभ बाहर आ जाती थी। अब तीन तीन सिल्क को साथ में देखेंगे तो लुंगी ढीली हो जाएगी। अब्राम याद है? क्यों, क्या हुआ, मर गया क्या? नहीं, जिंदा है। वो भी ऐसी ही ट्रिपल रोल वाली एक फिल्म बना रहा है, खुद को हीरो लेकर। रमाकांत लिख रहा है। कीड़ा दास, पता है सिल्क सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि उसकी किस्मत में चमकना लिखा है। बनाने दो उसे भी, हम भी देख लेंगे और पब्लिक भी। नफरत करने का वक्त खत्म हो गया था, अब सिल्क को मिटाने का वक्त था। मेरा ढांसू आइडिया कॉपी करके मुझसे ही कंपटीशन बुझ लगा दूंगा। है काम हो, मुझसे पंगा लेकर खुद अपनी कब्र खोल दी। दिख जाए एक बार, डालता हूं उस पर मिट्टी।
तुम बीच पर आई और समंदर लो टाइड पे आ गया। जब ये लहरें फिर से उठेंगी ना, तो सबसे पहले तुम ही डूबोगे। मैंने तो तूफान की लहरों में स्विमिंग की है, इसलिए तो आज तक सर्वाइव कर रहा हूं। लेकिन तुम तो वापस उसी रोड पे आ गए जहां से स्टार्ट किया था। तुम भी तो आ गए मेरे पास, मेरे बिना रह नहीं सकते ना, सबसे बड़े फैन हो। मैं तुम्हारी हार की खुशी मनाने आया हूं। क्यों, अपनी जीत की खुशी मनाने वाला कोई मिला नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे जीत नहीं सकती, पर लड़ने में तो मजा आया। सिल्क बनी है मजा देने के लिए, चाहने वालों को भी और लड़ने वालों को भी। और तुम तो स्पेशल हो। ये बात तो पेपरों में भी आ चुकी है, पर एक बात तुम्हारी जबान पर अब तक नहीं आई कि तुम मुझे चाहते बहुत हो। फ्लॉप एक्ट्रेस, हीरो के स्टाइल में डायलॉग बोल के निकल गई, कपड़ों से ज्यादा मुंह खुल गया था उसका। मैं चाहता हूं उसे, मैं, अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की होती तो मैं नसबंदी कर लेता।